Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि इससे पहले हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट P-75 के अंदर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग MDL कर रही है और इस प्रोजेक्ट को 2006 में साइन किया गया था प्रोजेक्ट 75 के अंदर। और इसके अनुसार फ्रेंच कंपनी नवल ग्रुप और इंडियन कंपनी MDL दोनों मिलकर 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन मैन्युफैक्चर करने वाले थे, जो कि एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन था और इसे कलवारी क्लास सबमरीन का नाम दिया गया था क्योंकि इसका जो पहला सबमरीन था वो INS कलवारी था। और जैसा कि हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि इसका जो फोर्थ सबमरीन था INS वेला वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के फाइनल स्टेज में था और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसे नेक्स्ट वीक तक ट्रायल्स के लिए उतार दिया जाएगा अरेबियन सी में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कलवारी क्लास सबमरीन के अंदर तकरीबन 6 सबमरीन बनाए जा रहे हैं और उनमें से INS कलवारी, INS खानदेरी, INS करंज, INS वेला जो कि फोर्थ सबमरीन है, और INS वागीर और INS वागश्री जो कि अपने अपने फाइनल स्टेज में है मैन्युफैक्चरिंग के। और ऐसी उम्मीद है कि ये भी 2021 और 22 तक कमीशन हो जाएंगे इंडियन नेवी में। और अगर बात करें INS वेला की, तो ये अगर अब उतरती है अरेबियन सी में, उम्मीद है 2020 के मध्य या फिर 2020 के अंत तक कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। जैसा कि आप सबको बता दूं, प्रोजेक्ट P-75 जिसे 2006 में साइन किया गया था और इसके अकॉर्डिंग इसका जो पहला सबमरीन था वो 2012 में कमीशन होना था इंडियन नेवी में, लेकिन कई कारणों से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ और इसका जो पहला सबमरीन है वो 2016-17 में कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। अगर बात करें इंडियन नेवी के करंट स्टेटस की सबमरीन्स की, तो अभी 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स है और उसके बाद एक एडिशन के रूप में हमारे पास इंडिया का INS अरिहंत जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है, और एक रशिया का अकुला क्लास सबमरीन है जिसे हमने लीज पे लिया हुआ है। तो एक आइडियल स्टेट के लिए इंडियन नेवी के पास तकरीबन 24 सबमरीन्स होने चाहिए, जो कि लास्ट टाइम इसकी मात्रा 20+ 1980 में देखी गई थी। उसके बाद सबमरीन्स डिकमीशन होते रहे हैं लेकिन कोई नया एडिशन नहीं हो पाया। बहरहाल अगले 4 से 5 सालों में इंडियन नेवी 6 सबमरीन कमीशन करने वाली है और वहीं पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 और सबमरीन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जिनका इंडक्शन 2026-27 तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो अगर ये सारे इंडक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट की मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ेगी और एक जो आइडियल स्टेट है उसे अचीव करेगी। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के दूसरे डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं MMRCA 2 के बारे में। तो जी हां दोस्तों, इसको लेके हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि US कंपनी बोइंग ने ऑलरेडी ये ऑफर दिया हुआ था कि वो एक अपना F-18 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करेंगे। और इसी को लेके फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट डैन गिलियन ने बताया कि हम F-18 के ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में सेटअप करेंगे। और जैसा कि दूसरी तरफ इंडिया और US के रिलेशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर इंडिया MMRCA 2 में और इंडियन नेवी के लिए इन दोनों के लिए हमें सेलेक्ट करती है, यानी कि बोइंग को सेलेक्ट करती है F-18 सुपर हॉर्नेट को, तो हम अपना पूरा सेटअप मैन्युफैक्चरिंग का वो इंडिया में सेटअप करेंगे, जो कि हेल्प करेगा इंडिया के ही जो फ्यूचरिस्टिक फिफ्थ जनरेशन फाइटर है MMRCA को डेवलप करने में, क्योंकि इंडिया इस फैसिलिटी से एडवांस नए नए कंपोनेंट डेवलप करने के लिहाज से अपने स्किल्स को और मजबूत कर पाएगा। और ये नई बोइंग की F-18 की जो फैसिलिटी है उससे हम इंडियन वर्कफोर्स को और भी स्किल्डफुल बना पाएंगे, तो ऐसा मानना है वाइस प्रेसिडेंट बोइंग का। और इस दौरान उन्होंने बोइंग में कुछ और नए टेक्नोलॉजी के एडिशन के बारे में बात की कि अगर इंडिया सेलेक्ट करता है तो कुछ और नए टेक्नोलॉजी वो इसमें ऐड करेंगे जो कि इंडिया स्पेसिफिक होगा। तो इसको लेके आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के तीसरे डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी द्वारा अक्वायर किए जाने वाले Kamov-31 चॉपर्स की। तो जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी अक्वायर करने जा रही है तकरीबन 3500 करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले 10 Kamov-31 हेलीकॉप्टर्स। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, और ये Kamov हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी के जो कैपेबिलिटी है किसी भी एरियल थ्रेट के अगेंस्ट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर बड़े वॉरशिप्स को बचाने के लिए उसको और इन्हेंस करेगा उन कैपेबिलिटी को। तो अगर ANI की सोर्सेज की माने तो इस डील को जल्द ही प्रोपेल किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिसके अंतर्गत 10 Kamov-31 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे जो कि अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल चॉपर्स हैं। इनका स्पेशल टास्क ही यही होता है कि वो बड़े बड़े वॉरशिप्स को एरियल अटैक से प्रोटेक्ट करें। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इंडियन नेवी ऑलरेडी Kamov-28 हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है जो कि इंडियन नेवी के लिए एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में काफी कारगर साबित होते हैं। और इस तरह के Kamov-31 हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी ऑलरेडी तकरीबन 12 के अमाउंट में ऑपरेट कर रही है और उसमें और एडिशन करने की ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी की कंबाइंड थिंकिंग है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई गिव अस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।